भारत के इतिहास में असंख्य राजाओं और रानियों का नाम दर्ज मिलता है। इन शासकों में से कुछ शासकों ने महान लड़ाइयां लड़ी और हर तरह से अपने साम्राज्य की रक्षा की। कला के अद्भुत नमूने के तौर पर कई महलों का निर्माण करवाया। हालांकि इन राजाओं रानी के कई किस्से कहानियां तो आपको मालूम होंगे और यहां तक कि आप इनकी वीरता और शौर्यता की कहानियां भी अच्छे से जानते होंगे। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी उन तलवारों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे थे। किसी के पास 80 किलो की तलवार थी तो किसी के पास ऐसी तलवार कि जिसके एक वार से इंसान के कई टुकड़े हो जाएं। तो चलिए मिलवाते हैं उन राजाओं से जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने साथ अपनी इन तलवारों के नाम भी दर्ज करवा रखे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवारें। शिवाजी महाराज का परिचय बेखौफ, पराक्रमी, न्यायप्रिय और कुशल राजा के तौर पर दिया जाता रहा है। ये सभी शब्द उनके नाम के पर्याय कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। वो कई कलाओं में पारंगत थे। युद्ध एवं राजनीति की दीक्षा उन्हें शुरुआत से दी गई थी जो उन्हें कुशल राजा बनने में मददगार साबित हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में उनका जन्म शिवनेर दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनकी वीरता, शौर्य और जीवन से जुड़े तमाम किस्से चर्चित हैं जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्रपति महाराज के पास 3 ऐसी तलवारें थी जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 अनूठी तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। जगदम्बा तलवार इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी है लेकिन भवानी और तुलजा तलवार 200 साल से अधिक समय से लापता है। मराठा सम्मान की प्रतीक इन 3 तलवारों को एक व्यक्ति लंबे समय से भारत लाने के लिए प्रयासरत है। महाराष्ट्र के प्रोफेसर नामदेव राव जाधव ने भवानी तलवार की एक प्रतिकृति तैयार करवाई है। इस तलवार को बनाने में लगभग 4 लाख रुपए की लागत आई है। रूप रंग कदकाठी में ये तलवार हूबहू भवानी की तरह दिखाई देती है। 10 दिसंबर से इस तलवार पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शित किया जाने वाला है। रत्न जड़ित है जगदम्बा तलवार। शिवाजी की हर तस्वीर में उनके हाथ में तलवार देखने को मिलती है। दावा किया जाता है कि उनकी तलवार पर 10 हीरे जड़े थे। ये तलवार इस समय लंदन में है। उनकी ये तलवार प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम को नवंबर 1875 में उनकी भारत यात्रा के दौरान कोल्हापुर के महाराज ने बतौर उपहार दी थी। हालांकि इसके बाद कभी इस तलवार को भारत लाने की कोशिश नहीं की गई। ये इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी है। इसके अलावा भवानी तलवार से प्रभावित शिवाजी ने अपने सैनिकों को लड़ने के लिए इस जैसी तलवारें बनवाकर दी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा निकाली गई और हजारों तलवारों के ऑर्डर दिए गए। इसकी लंबाई करीब 4.5 फीट थी। इसे पूरा करने के लिए अंग्रेजों, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डच सरकार के अलावा स्पेन के राजा ने भी टेंडर डाले। बनाने का ऑर्डर स्पेन को मिला। स्पेन के टोलेडो शहर में इनका निर्माण किया गया। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। महाराजा रणजीत सिंह को सिखों के सबसे दृढ़ और शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है। इतिहास में उन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसी थी महाराजा रणजीत सिंह की असली तलवार। इसका हैंडल कांसे का जबकि धारदार हिस्सा स्टील का है। महाराजा की तलवार के हैंडल के चारों ओर शेर की आकृति बनी थी। उसी तरह की आकृति इस तलवार पर भी बनी है। ये आकृति रणजीत सिंह की वीरता और शौर्य को दर्शाती है। हैंडल पर ही सिख धर्म का प्रतीक खंडा भी बना है। 150 फीट लंबी इस तलवार में धारदार हिस्सा 123 फीट तक है। 60 टन वजनी इस तलवार को 20 कारीगरों ने शिल्पकार राम विसोतार के नेतृत्व में बनाया है। बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम बुद्ध सिंह था। बचपन में ही चेचक के कारण उन्होंने अपनी बाई आंख गंवा दी। इस वजह से वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते थे। उनका कद ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उन्होंने घुड़सवारी और युद्ध की बारीकियों को खूब सीखा और महज 10 साल की उम्र में वो पहली बार अपने पिता के साथ जंग के मैदान में उतरे। इस युद्ध में फतह हासिल करने के बाद उनके पिता ने उन्हें रणजीत सिंह नाम दिया। महाराणा प्रताप की तलवार। महाराणा प्रताप कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानसिक व शारीरिक क्षमता में अद्वितीय थे। उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था और वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले, 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। उनके पास उस समय का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था जिसने अंतिम समय में जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना पड़ी थी तब अपनी पीठ पर लांग कर 26 फीट ऊंची छलांग लगाकर नाला पार करवाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। जबकि इस नाले को मुगल घुड़सवार पार नहीं कर सके। पिता उदय सिंह द्वारा अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी सबसे छोटी पत्नी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से मेवाड़ की जनता असहमत थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय किया लेकिन जनता के अनुनय विनय के बाद वे रुक गए।
और 1 मार्च 1573 को उन्होंने सिंहासन की कमान संभाली। उस समय दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था और उसकी अधीनता कई हिंदू राजा स्वीकार करने के लिए संधि समझौता कर रहे थे, तो कई मुगल औरतों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करने में लगे थे। लेकिन इनसे अलग महाराणा प्रताप को अकबर की दास्ता मंजूर नहीं थी। इससे आहत होकर अकबर ने मानसिंह और जहांगीर के अध्यक्षता में मेवाड़ आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेजी। न कोई जीता न कोई हारा। 18 जून 1576 को आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हो सकी और ना ही महाराणा प्रताप की हार हो सकी। एक तरफ अकबर की विशालकाय, साजो सामान से सुरक्षित सेना थी तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप की जूझारू सैनिकों की फौज थी। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में विचरण करते हुए अपनी सेना को संगठित करते रहे। एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह की भूख शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई तो उसे भी जंगली बिल्ली ले भागी। इससे विचलित होकर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाने लगा, उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे। टीपू सुल्तान की तलवार। सन 1783 में टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक घोषित किया गया था। अपने शासनकाल में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को दक्षिण भारत से अपने हाथ खींचने पड़े थे। आज ही के दिन साल 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, लेकिन मौत के बाद उनकी कई ऐसी बेशकीमती चीजें थी जिन्हें नीलाम किया गया था, और इसी में उनकी एक तलवार भी थी जिसे तकरीबन 21 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टीपू सुल्तान की उस तलवार की खासियत क्या थी। मैसूर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान की वर्ष 1799 में सेरिंगपटम में युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हार्ट इन हथियारों को अपने साथ ले आए थे। 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी कुल 30 चीजें नीलाम की गई। इनमें उनकी एक खास तलवार भी है जो लगभग 21 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। इस तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है। टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की ज्यादातर चीजों में उनका प्रतीक बाघ अंकित मिलता है। इस तलवार को बनाने के लिए ज्यादा कार्बन की मात्रा वाली बुट्स नामक स्टील का इस्तेमाल किया जाता था। ये तलवार इतनी तेज थी कि अगर किसी ने लोहे का कवच भी पहना हो तो ये उसे भी चीर सकती थी। इस तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी होती थी जिसमें युद्ध फतेह के संदेश अंकित थे। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन राजा महाराजाओं की इस तलवार के बारे में, जो वाकई आज भी लोगों के बीच उनके पहचान के तौर पर संरक्षित रखी गई है। आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।